हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ एक लाइव ट्रेड जो कि TCS का है और TCS में मैंने उस ट्रेड से पैसे अर्न किए हैं। वो आपके लिए एक सिंपल सोबर है और वो ट्रेड अभी भी ऊपर अप ट्रेंड में है, पर मैं अपनी पोजीशन काट के निकल चुका हूँ। कैसे कमाए मैंने पैसे मैं आपको बताता हूँ। सुबह मॉर्निंग में जब ये ट्रेड खुला तभी देखिए मैंने एक पिवट पॉइंट यूज़ किया है और पिवट पॉइंट में सपोर्ट जो था वो था आपका अगर हम यहाँ देखेंगे तो पिवट पॉइंट का निशान है और यहाँ पे सब रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंट वन है, रेसिस्टेंट टू है और दिस इज़ अ पॉइंट, पिवट पॉइंट इंडिकेटर। ओके, देन मार्केट खुला तभी आप देखेंगे कि MACD का जो सिग्नल पॉइंट है वो क्रॉस करके ऊपर की साइड था, RSI इज ऑल्सो मूव था और जो हम SATH इंडिकेटर होता है वो भी ऊपर था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये ट्रेड लिया यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड में मेरा पोजीशन क्या था। मैंने ट्रेड लिया था सुबह 2410 रुपये पॉइंट 55 पैसा पे और मैं निकला इसको 2424 रुपये 25 पैसा में, यानी मैंने ऑलमोस्ट 134 रुपये ही अन किया। ये सिर्फ एक ट्रेड था जो कि मैंने आपको दिखाने के लिए ट्रेड लिया था। तो अभी आप देखेंगे कि क्या हुआ इसमें, इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसे कि 15 मिनट का कैंडलस्टिक है, ये एक पिवट पॉइंट का इंडिकेटर है, देन ये सपोर्ट है, रेसिस्टेंट वन है और रेसिस्टेंट टू है। देखिए अब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था क्यों, क्योंकि यह रेसिस्टेंस के ऊपर सब पिवट पॉइंट के ऊपर ओपन हुआ था और ये इसने एक ये हाइकनेशन कैंडल है और इसने एक अच्छा खासा मूवमेंट और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ही ओपन हुआ था। देन मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था 2238 जो कि प्रीवियस डे का सपोर्ट था, सपोर्ट वन था। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद देखिए आप ये ट्रेड इस तरीके से घुमा कि यह 2426 रुपये तक हाई मारा, यहाँ तक कि 28 रुपये आप देख पाएंगे यहाँ लाइव, यहाँ 28 रुपीज़ का लाइव ट्रेड आ रहा है। अगर ये यहाँ से तोड़ देता है तो देन ये पोजीशन कंटिन्यू होनी चाहिए, बट मैंने जस्ट फॉर ट्रेड के पर्पज़ से ट्रेड मारा था आपको एग्जाम्पल के लिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस पॉइंट था वो 2386 था और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने 134 रुपये अन किए। देखिए अभी भी ये रुक नहीं रहा है, अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो ये चलता ही जा रहा है ऊपर की साइड में। देखिए 5 मिनट के चार्ट पे उसने रेजिस्टेंस वन जो था वो भी क्रॉस कर दिया है। अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रहा तो इसका मूवमेंट और भी ज़्यादा आएगा और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो दोस्तों अगर हमें ट्रेड करना है तो हम सिंपल वे में सपोर्ट और रेसिस्टेंट को के साथ साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा MACD क्रॉस करके खड़ा है कि नहीं, ये जो सिग्नल्स है वो ग्रीन हो रहे हैं कि नहीं, हमारा RSI ऑब्वियस 30 से ऊपर होना चाहिए, बट अगर 50 से ऊपर का RSI होता है तो 50 के ऊपर जब RSI इंडिकेटर सिग्नल देता है तो हमें उस पर ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये 233 कितना अच्छा प्रॉफिट ये दे रहा है, अगर मैं इसमें कंटिन्यू होता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बट मैंने प्रॉफिट अर्न किया है इसलिए मैं इसको पोजीशन को निकल गया। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो। तो दोस्तों एक ये लाइव ट्रेड था, अब हम इस ट्रेड को देखेंगे तो भी ये चलता ही रहेगा क्योंकि इसने रेजिस्टेंट वन को भी क्रॉस कर दिया है और देखिए अभी रेजिस्टेंट वन के ऊपर ही चल रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आपके अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह बेहतरीन इंडिकेटर्स लाता रहूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अच्छा इंडिकेटर लाऊंगा, कैसे ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।